ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्याय के मंदिर में बेशक देरी होती है, लेकिन लोगों का विश्वास आज भी कानून पर है। कुछ ऐसा ही एक जमीनी विवाद का मामला हमीरपुर जिला में सामने आया है, जिसमें जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर 84 साल की विद्या देवी को राहत प्रदान की है। करीब 53 साल तक कोर्ट के चक्कर काटती रही विद्या देवी की 3.34 हेक्टेयर भूमि को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कानून का आज न्याय मिल पाया है। और अब जमीन के साथ साथ सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा भी विद्या देवी को देगी। न्याय के मंदिर में बेशक देरी होती है, लेकिन लोगों का विश्वास आज भी कानून पर है। कुछ ऐसा ही एक जमीनी विवाद का मामला हमीरपुर जिला में सामने आया है, जिसमें जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर 84 साल की विद्या देवी को राहत प्रदान की है, जिससे कानूनन आज न्याय मिल पाया है। और अब जमीन के साथ साथ सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देगी। नादौन के गाँव चलाड़ी के पूर्व सैनिक स्वर्गीय रघुवीर सिंह की पत्नी 84 वर्षीय विद्या देवी को राज्य सरकार और अधिकारियों की गलती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। जमीन के इस पड़ाव पर उसे उस जमीन का मुआवजा मिलेगा जो 53 साल पहले उससे सरकार ने जबरन ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विद्या देवी की जमीन बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हुए ली गई थी। पूर्व सैनिक की पत्नी विद्या देवी व ग्रामीण वर्षों से अधिकारियों व सरकार से बार बार मुआवजा देने का आग्रह करते रहे, लेकिन उन्हें अंत में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। विद्या देवी के पति रघुवीर सिंह की 1970 में नौकरी के दौरान मौत हो गई थी। विद्या देवी की दो बेटियां 59 वर्षीय कल्पना देवी, 55 वर्षीय अमिता देवी है। कल्पना देवी विधवा है और मां के पास ही रहती है। दूसरी बेटी अमिता देवी की शादी देसराज निवासी चौड़ू के साथ हुई है, जो रेलवे में कार्यरत है। उनके दो बेटे शब्बू और अंको इंजीनियर है। विद्या देवी को दोनों बेटियों का ही एकमात्र सहारा है। बता दें कि साल 1967-1968 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण के लिए जलाड़ी के ग्रामीणों की 20 कनाल जमीन कब्जे में ली थी। इसमें विद्या देवी की 3.34 हेक्टेयर भूमि को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। नादौन से सुजानपुर सड़क खड के बीच से गुजरती थी। ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया कि सभी को मुआवजा दिया जाए, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। 2004 में इसी गांव के अनक सिंह ने मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में पहला मामला दर्ज किया। उसका फैसला उनके हक में गया। विद्या देवी और दूसरे प्रार्थियों ने दूसरे बेंच में केस कर रखा। अजीत सिंह व विद्या देवी हाई कोर्ट में केस हार गए और अन्य सभी ग्रामीण मामला जीत गए। 2013 में विद्या देवी व अजीत सिंह का मामला हाई कोर्ट में खारिज हो गया। विद्या देवी ने हिम्मत बनाए रखी और वर्षों से जमीन के मुआवजे की जंग लड़ी रही। विद्या देवी निवासी जलाड़ी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि उन्होंने अपनी दो बेटियों व भतीजे के सहारे इस जंग में सफलता हासिल की है। आने फैसले तक खुश होए पचुंजा साल सजान पर रोड हुई दिया शादी हुई। एक मेरे घर रहती, एक बाहर रहते, शायद प्राइवेट। विद्या देवी के भतीजे ने बताया कि सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और अपनी जमीन वापस मिली है। उन्होंने बताया कि पूरे गांव के 20 कनाल भूमि पुल बनाने के लिए ली थी, जिसमें हमारी भी 3.34 हेक्टेयर भूमि भी सरकार ने ली थी, जिस पर अब कोर्ट ने सरकार को लताड़ भी लगाई है और 10 लाख मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। सन 1967 सड़क निकली थी जड़ी नदौन सुजानपुर रोड पर, कि पहले सड़क जड़ी खड्डा चुन जाती थी, नया पुल बनने की वजह ने कुछ जमीन जी 20 कनाल जमीन पूरे गाँव की उस गई थी, लेकिन वो जबरदस्ती गवर्नमेंट ने ले ली थी, उसका कोई क्लेम जोड़ा था नहीं दिता था। तो जिसे बाद 2004 एक पार्टी श्री अनक सिंह ने केस लगाया था हाई कोर्ट च, तो उन्होंने आके जोड़ा फैसला हो गया था। इसके बाद बाकी पार्टियां भी जोड़ा केस लगाया, लेकिन जिस दो पार्टियां जड़ियाँ ना सिख बेंच ने उन्होंने अपील खारिज करी थी, जिस अजीत सिंह और विद्या देवी। विद्या देवी जी ने जो 84 साल हुई हो तिना इस जो सुप्रीम कोर्ट लेना गए, तो उत्थे उन्होंने हक फैसला आया, तो सरकार जो लताड़ भी पई कहना उन्होंने जोड़ा खर्चा लीगल खर्चा वह 10 लाख रुपया हजाना जोड़ा सरकार जो भरना पाना। ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये बड़ा स्वागत योग्य है। कहना इसते लोगों जो जोड़ा जो है जो रही गए कोई पार्टी तो उस जो भी इस फैसले पर ही जरा क्लेम दे देना चाहता, यह नहीं कि हर पार्टी जो एक दया केस है एक ही मॉडल है कि जिन्हें बार बार कोर्ट जाना पवे।
एक अजीत सिंह उन्होंने सर ही वो डैथ हुई उन्होंने उन्होंने बेटे न ऐसे जो फैसले ने वो एक बार हुई तो सारे वास्ते हुई यानी कि बार बार जरा जो है धक्के खाने पौधे गरीब आदमी पता नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कुतू है कि है गरीब आदमी क्या पढ़े लिखे भी पता नहीं लगता वकीलों चक्कर करना पौधे तो चाहे गवर्नमेंट ने कोई चीज़ लैनी है तो जो प्रोसीजर है जी पूरे पूरा करने के बाद ही लेना है।